पवित्र मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय पश्चात क्यों मर जाती है, और हिंदू धर्म में शव को चिता पर रखने के बाद पानी से भरे मटके में छेद करके शव के चारों ओर परिक्रमा क्यों लगाया जाता है। अगर आप भी नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पर बने रहें। नंबर वन, मधुमक्खी डंक मारने के कुछ समय बाद मर जाती है क्योंकि डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर यानी कि डंक वापस नहीं खींच पाती, जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है और साथ में उसके पाचन तंत्र, मांसपेशियां और आंत भी डैमेज हो जाती हैं, या कभी कभी ये स्टिंगर के साथ बाहर आ जाते हैं जो इसके मौत का कारण बन जाता है। नंबर टू, शव को चिता पर रखकर पानी से भरे मटके में छेद कर शव के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है और अंत में मटके को फोड़ दिया जाता है। हमारा शरीर मटके के समान होता है जिसमें जीवन रूपी पानी भरा होता है और छेद में से जीवन निरंतर रिश्ता रहता है और अंत में पानी खत्म हो जाता है यानी जीवन समाप्त हो जाता है। तब मटके रूपी शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा चली जाती है, इसके द्वारा ऐसा संदेश दिया जाता है।